कुछ तो कैरिकेचर्स और पर्सनालिटीज ऐसे हुए हैं जो सिर्फ अपने बालों की वजह से पहचाने जाते हैं, जैसे कि एक यूनिक आईडी होता है आपका, आधार कार्ड से आपको पहचान मिलती है, तो कैरिकेचर में आपको बालों से पहचान मिल सकती है। जैसे आप ये लालू के बाल जो थे वो सिर्फ वो बालों से ही पहचाने जाते थे, इतना ऊपर का हिस्सा उनका बालों का ये बन जाता था। और उसी तरह से दूसरे हम बाल लेंगे, जब हम लोग बनाते थे अब्दुल कलाम के जो बाल होते थे वो सिर्फ इनको आप बनाते जाइए और इस तरह से वो बन जाते थे। और एक बार उनके जो होते थे अपना अमिताभ बच्चन जैसे, बिल्कुल आपने सिर्फ इतना सा हिस्सा बनाया बालों का और अब पहचान सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के बाल बन रहे हैं। गांधी जी का जैसे आप देखेंगे, गांधी जी को भी हम लोग कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ ये एक लाइन खींची तो उनका बिना बालों की भी पहचान होती थी। तो ऐसी अगर आप देखेंगे कि कभी भी आप ध्यान रखिए, किसी का भी कैरिकेचर बनाइए उसमें उनके बालों को बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए आप, हर किसी के बालों से उसकी अपनी पहचान बनती है। तो ये कह सकते हैं इरफान जी कि सिर्फ एक्सप्रेशन से ही नहीं आपके बालों से भी आपकी पहचान होती है, और वो स्केचिंग करने में भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए इरफान जी, अगली मास्टर क्लास में क्या खास रहेगा? किसी भी कैरिकेचर को आप कहाँ से बनाना शुरू करें, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, मेरा भी ये सवाल है। हाँ, इस कहाँ से शुरू करें, किसी को नाक से करते हैं, किसी को चश्मे से करते हैं, तो मैं बताऊंगा कि किस कैरिकेचर को हम कैसे यूज कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करें। बिल्कुल, तो आज भी आपने हमें बेहतरीन टिप्स दिए हैं। अगली मास्टर क्लास में आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आखिर किसी कैरिकेचर को बनाने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। आप भी हमें अपनी एंट्रीज भेजते रहिए namaste-bharat@abpnetwork.com पर। ये अपनी एंट्रीज आप भेजें, हम इन्हें दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच इरफान जी। ABP News आपको रखे आगे।